अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एसवी बाय शाजिया। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे अंडों का कस्टर्ड। अंडों का कस्टर्ड बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसके लिए हम लेंगे 1 किलो दूध, 2 अंडे, 2 चम्मच दूध की बालाई, उसके बाद हम लेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। मैं यहाँ पे मैंगो फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे 2 चम्मच मक्खन, 4 से 5 चम्मच शुगर। अब हम कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम दूध में एक छोटी इलायची डालकर दूध को इतनी देर पकाएंगे कि वो पककर 3 हिस्से रह जाए। उसके बाद हम 4 चम्मच चीनी शामिल करेंगे और दूध को थोड़ी देर तक पकने देंगे। अंडों का एक कस्टर्ड बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ लाजमी शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। व्यूवर्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थोड़ी देर तक दूध को पकाने के बाद अब हम इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर शामिल करेंगे और आपने कस्टर्ड का मिक्सचर डालते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि चम्मच मुसलसल चलाते रहें ताकि कोई लम्स ना बने। थोड़ी देर तक कस्टर्ड को पकाने के बाद अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। अंडे डालकर हम उसे अच्छी तरह से पका लेंगे। अंडे डालने के बाद मुसलसल चम्मच चलाएं ताकि लम्स ना बने। जब कस्टर्ड बन जाएगा तो अब उसको उतारने से पहले हम उसमें 2 चम्मच मक्खन शामिल करेंगे और कस्टर्ड को 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। कस्टर्ड अब बनकर तैयार है। कस्टर्ड का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम कस्टर्ड को एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें दूध की बलाई शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर दूध की बलाई शामिल कर रही हूँ, आप इसमें चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम कस्टर्ड को केलों के साथ डेकोरेट कर लेंगे। आपने केले गोल रिंग शेप में काट लेने, उसके बाद हम कस्टर्ड पर डेकोरेट कर लेंगे। कस्टर्ड को केलों से डेकोरेट करने के बाद हम 2 से 3 घंटे तक फ्रीज़र में रखकर ठंडा कर लेंगे। अब हमारा टेस्टी एंड डिलीशियस अंडों का कस्टर्ड बनकर तैयार है।